हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बता रही हूँ। तो किस तरीके से कटिंग करना है, माप एकदम सेम साइज लेना अगर आप 3-4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हो तो, और बहुत ही अच्छे से बना लोगे, बहुत ही ईजी तरीका बताया हुआ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और भी इस तरीके की ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो देखने के लिए। बहुत सारी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहूंगी, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ब्यूटी पार्लर कोर्स और हेयर स्टाइल की वीडियो देखने के लिए प्रीत तिवारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 4 साल की बच्ची के लिए प्लाजो पैंट की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लंबाई ले लेनी है 19 इंच, 19 इंच लंबाई है। चौड़ाई यहाँ पे आपको लेना है 7.5 इंच। ओके, आसन के लिए यहाँ से मैं 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो हम लोग पट्टी लगाएंगे रबड़ के लिए वो 2 इंच का आ जाएगा। तो 6 इंच मैं यहाँ पे आसन ले रही हूँ और 2 इंच बाहर की तरफ आपको इस तरीके से लगा देना है और यहाँ से ऐसे मिला लेना है। और पूरा मैं यहाँ पे खुला ही बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको पैंट की तरह भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे खुला ही ले रही हूँ और इसको इस तरीके से कट कर लेना है कैंची से। तो आपको इस तरीके से कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर दो। यहाँ से इसको अलग अलग कर लेना है। ओके, अब आपने इस तरीके से कट कर लिया है। ऊपर आपका ये जितना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कपड़ा कट करना है। ओके, जो आपका कमर का साइज को सिलने के बाद ये देखिए दोनों साइड से सिल लिया हमने। उसके बाद इस तरीके से खोलना है और ये हमारा जो पैर का एकदम पतला सा बस रबर डालने लायक ही आपको यहाँ पे कपड़ा कट करना है। तो इसको पूरा सिल के फिर दिखाते हैं। तो इसको हमने सिल लिया यहाँ से और नीचे से इस तरीके से मोड़ के और सिल लेना है और ऊपर हमको अभी कपड़ा ज्वाइन करना है। तो चलिए डबल कर दिखाते हैं और रबर लगा देते हैं। जैसे पेटीकोट का बेल्ट जोड़ते हैं सेम उसी तरीके से जोड़ना, उल्टी तरफ से जोड़ना। स्टिचिंग करनी है, सिलने के लिए आपको दोनों साइड से पहले इस तरीके से सिल लेना है, फिर आपने ये जो कपड़ा कट किया है इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे थोड़ा सा, और फिर राउंड में पूरा हम लोग को रबड़ इन करना है और फिर रबड़ को पकड़ के सिल देना कपड़ा। पिन के मदद से मैं रबड़ को अंदर डालूंगी और इस तरीके से खींच लेना है कपड़े को। ओके, तो इस तरीके से रबड़ डाल लेंगे और फिर रबड़ का जो मुंह है दोनों साइड का उसको पकड़ के सिल देंगे और जो कपड़ा खुला हुआ था उसको भी सिल देंगे। रबड़ लगाने के लिए यहाँ से मोड़ रबड़ लगा लो, ठीक है, मोड़ के सिल के लाइए फिर रबड़ बता वो कपड़वा जोड़ दीजिए। तो ये मैंने रबड़ निकाल दिया है, जोड़ के ले आइए। तो इस तरीके से रबड़ को निकाल लिया है और सीम को निकाल के फिर रबड़ को सिल देंगे और हमारा प्लाजो पैंट लगभग कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरीके से रबड़ को एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे सिल देंगे। ओके, और ये पूरा प्लाजो पैंट हमारा रेडी हो चुका है। ये रबड़ लग गई है और इस तरीके से पूरे प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने बच्ची को पहना भी दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बैक से इस टाइप का लुक है, इस टाइप से। तो इस तरीके का प्लाजो पैंट कटिंग और स्टिचिंग करना हो तो आप कर सकते हो, और वेस्ट जो बचे हुए कपड़े होते हैं उससे आप इस तरीके की डिजाइनर ड्रेस मेरा चैनल देख के सीख सकते हो और बना सकते हो। घूम जाओ, इतना भी तेज मत रहे गए, ऐसे गंदा घूम रही है कि बहुत गंदा लग रहा है।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। और अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम सीखना हो मेरे चैनल पर उनको लेके आइए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस, टेक केयर।